ज्वेल इंडिया मुंबई। इधर अयोध्या में पीएम मोदी और गठबंधन नेताओं की रैलियों के बीच हमारे राजनीतिक संपादक अखिलेश मिश्रा ने आम लोगों से बातचीत की। इस बातचीत में अयोध्या का राम मंदिर का मुद्दा शामिल रहा तो राजनीति भी रही। आप भी देखें क्या है मूड इंडिया का। नमस्कार, इस वक्त मैं हूं अयोध्या में। अयोध्या जो हमेशा सुर्खियों में रहा तमाम वजहों से, अलग अलग कारणों से, अब नाव पे अयोध्या में सरयू तट के किनारे घूम रहे हैं और ये अगर आपको दिखाऊं तो पूरा घाट जो है यहाँ पे सुबह से ही श्रद्धालु आए हुए हैं। यहाँ पे लगातार जो है भीड़ बढ़ रही है और आज अयोध्या थोड़ा इसलिए प्रासंगिक है, ज़्यादा चर्चा हो रही है क्योंकि यहाँ पे आज दो दो रैलियाँ हैं राजनीतिक। प्रधानमंत्री मया में आ रहे हैं जहाँ पे जनसभा को संबोधित करेंगे, दूसरी तरफ रामसर ही घाट में जहाँ पे गठबंधन की रैली होने वाली है। तो हालांकि अपने धार्मिक वजहों से अयोध्या चर्चा में रहता है लेकिन आज राजनीतिक कारण से थोड़ा ज़्यादा चर्चा में आया है और ये तमाम लोग हैं जो यहाँ पे लाइफ लाइन रहे हैं। महाराज जी, आप यहाँ पे तीर्थ पुरोहितों का जो यहाँ पे घाट पे बैठते हैं, आप उसके अध्यक्ष हैं, क्या आपको लग रहा है कि चुनाव में अयोध्या तो बहुत बड़ा मुद्दा होता है, आप लोग की जो समस्याएं होती है घाट की, छोटी छोटी समस्याएं, वो कोई मुद्दा बन पाती है चुनाव में? हमारे घाट का तो कोई मुद्दा चुनाव में नहीं बनता है। हम लोग घाट में बैठते हैं, अपना पूजा पाठ कराते हैं, सरजू माँ जो देती हैं जीविकोपार्जन हम पुरोहितों का चलता है। अब रही बात गई राम जन्मभूमि की, तो राम जन्मभूमि हिंदुओं का है और हिंदुओं का रहेगा। आज नहीं कल बनेगा तो मोदी के ही कार्यक्षेत्र बनेगा और कोई बनवाने वाला नहीं है, आशा करते हैं। सर, आपको क्या लगता है कि यहाँ कुछ समस्याएं हैं जो जिनको सरकार को और ध्यान देना चाहिए? अयोध्या दुनिया के नक्शे पे है तो जिस तरह साफ सफाई, जिस तरह के घाटों की व्यवस्था होनी चाहिए वो है। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ पे तीर्थ पुरोहित हैं, जितने लोग तीर्थ पुरोहित हैं जो देश भर के लोग आते हैं, आप उसके अध्यक्ष भी हैं। यहाँ जब से बीजेपी की सरकार बनी यहाँ साफ सफाई भी बड़ा सुंदर चल रहा है और कार्य भी अच्छा हो रहा है। यहाँ जो कार्य जैसे ये राम की पैड़ी में बनाया जा रहा है कि सरजू के किनारे हमेशा जल रहेगा, ये भी बड़ा सुंदर कार्य हो रहा है। आप कह रहे मोदी के कार्यकाल में ही मंदिर बनेगा, 5 साल मोदी को सरकार में हो गए, अयोध्या दर्शन करने तक नहीं आए, हनुमानगढ़ी पे दर्शन करने तक नहीं आए, राम के नाम पे वोट मांगते हैं और आप कह रहे राम मंदिर बनेगा। मोदी का संकल्प है जब राम मंदिर बनेगा तभी वो अयोध्या दर्शन करेंगे और बनवा के करेंगे और उन्हीं के कार्यक्षेत्र बनेंगे। तमाम विपक्ष की पार्टियां लगी हैं जो कि उन्हें देश को भी देखना है, देश को देखते हुए कार्यक्षेत्र कर रहे हैं। मतलब राम उनके एजेंडे पे दूसरा है, चुनाव पहला है। सर बताइए क्या लग रहा है कि 5 साल बाद प्रधानमंत्री आ रहे हैं, रैली कर रहे हैं और अयोध्या में रामलला के दर्शन नहीं करेंगे, हनुमानगढ़ी नहीं जाएंगे, ऐसी अभी तक सूचना जो है? अब वो तो प्रधानमंत्री के जो नियमानुसार टाइम होगा वही करेंगे वो, लेकिन प्रधानमंत्री बहुत अच्छा कर रहे हैं, देश की सुरक्षा सबसे पहले जरूरी है, देश सुरक्षित रहेगा तो मंदिर बना। इस बार चुनाव में राम मंदिर का कोई इशू है क्योंकि बीजेपी बार बार कहती थी कि रामलला हम आएंगे मंदिर बनाएंगे, तो वो कहीं चुनाव में है कि डेवलपमेंट विकास देश की सुरक्षा? इस समय देश की आंतरिक सुरक्षा है, देश सुरक्षित रहेगा तो सब होगा, देश सुरक्षित रहेगा सब होगा। अयोध्या आपके लिए रोजी रोटी से जुड़ा है, आप यहाँ पे चाय बेचते हैं सुबह से शाम तक, क्या नाम आपका? पुतुलाल पांडे। पुतुलाल जी, क्या लगता है जब मामला गर्माता है, दर्शनार्थी ज्यादा आते हैं तो आपकी बिक्री बढ़ जाती है? हाँ, बिक्री बढ़िया होती है हमारी। हाँ। यदि राम मंदिर बन जाए तो बिक्री और अच्छा हो। अच्छा, और अच्छा। हाँ। क्या आपको क्या समस्या यहाँ पे होती है साफ सफाई की, आप लोग के रहने वहने की कोई व्यवस्था किया? नहीं, सफाई जो है जब से प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी बने हैं तब से अयोध्या में भारी सफाई हुई है और सफाई हो रही है। सफाई हो रही है जी। हमारे साथ स्नेहलता निषाद जी हैं जो यहाँ निषादों की लड़ाई लड़ती रही हैं। स्नेह जी, आपको क्या लगता है कि तमाम मुद्दों से जो बुनियादी मुद्दे हैं और अयोध्या जितने बड़े इशू पे चुनाव लड़ा गया था वो बीजेपी उसको पालन कर रही है कि उसको ओवरलुक कर जा रही है? बीजेपी उसको ओवरलुक कर जा रही है, उसका पालन नहीं कर रही है कहीं। केंद्र में इनकी सरकार, स्टेट में इनकी सरकार और राम मंदिर का मुद्दा इनका मेन मुद्दा था, आस्था पे लोगों को गुमराह करना इनका काम था, वो गुमराह इन्होंने किया। अगर इनको मंदिर बनाना ही होता तो केंद्र में सरकार इनकी, स्टेट में सरकार इनकी, इनको किस बात का डर था? किसी बात का डर नहीं था ना। आज प्रधानमंत्री यहाँ पे रैली भी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि महागठबंधन की भी रैली है, तो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता भी है, तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री अयोध्या नहीं आ रहे हैं इससे अयोध्यावासी थोड़ा सा नाराज हैं? प्रधानमंत्री अयोध्या नहीं आ रहे हैं यहाँ अयोध्यावासी नाराज हैं, स्वाभाविक है, नाराजगी स्वाभाविक है होगी,
क्योंकि मेन मुद्दा इन्होंने गुजरात से शुरू किया, गुजरात के जब मुख्यमंत्री थे तब इन्होंने शुरू किया कि हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, सत्ता में भी आ गए, भगवान राम के नाम पर आ गए, और जो है ये आज तक यहाँ नहीं आए। इतनी रैलियाँ हुई, GIC में भी पिछले विधानसभा चुनाव में आए थे, तब भी रामलला का दर्शन नहीं किया। तो ये तो मुद्दे से भटकाने वाली बात हो गई। अगर आपको कार्यक्रम यहाँ रखना था, फैजाबाद में आना ही था, फैजाबाद में GIC ग्राउंड इतना बड़ा है, उसको छोड़ के आप जो है माया बाजार में छोटी सी जगह में आप अपना आयोजन कर रहे हैं। अयोध्या में बहुत बड़ी बड़ी जगह है, आप वहाँ अपना आयोजन कर सकते थे। आपको क्या लगता है कि राम मंदिर को BJP किस तरह देखती है? राम मंदिर को BJP जो है अपना कह लीजिए वोट बैंक देखती है, वोट बैंक। तो अयोध्या में पहुंचे और उसको लेकर लोगों का रिएक्शन आप देख रहे थे, किस तरह से राम मंदिर को BJP देखती है। सबकी अपनी अपनी वहां पर राय है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 14।